तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं स्लाइसेस के बारे में। जी हाँ, पिवट टेबल के टॉपिक चल रहा है हमारा, और पिवट टेबल में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कैलकुलेशन, समराइज करना, एक्सटर्नल पिवट टेबल वगैरह वगैरह। अब हम बात कर रहे हैं स्लाइसेस के बारे में। जो हमारा अपडेटेड पेज है 2013, 16, 19 और 365, इसके अंदर में एक ऑप्शन है स्लाइसेस का। स्लाइसेस जो है डैशबोर्ड, पिवट डैशबोर्ड, जब हम पिवट से डैशबोर्ड बनाते हैं उस समय उसका यूज काफी ज्यादा होता है। चलिए इसी स्लाइसेस के बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो सुनील जी, हम बात कर रहे हैं स्लाइसेस में मल्टीपल फिल्टर के बारे में। तो स्लाइसर को पढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं कि एक ही डेटा पे कई सारे पिवट कैसे लगाया जाए। ओके, पहले चीज को जानें क्या है कि मान लीजिए आपके सामने डेटा है, इसमें एमआरपी भी है, रेट भी है, अमाउंट भी है, और मुझे हर एंगल से डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट की के बिहाफ एनालिसिस चाहिए। जैसे कि मैंने नेम बाई, मान लीजिए नेम बाई, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल निकाल दिया, राइट। अब मुझे एरिया बाई क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया रखता हूँ तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन मैं इसको अलग अलग चाहता हूँ तो हम इसी पे दूसरा पिवट लगाते हैं, वापस इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। लेकिन जब भी पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया कि जनरली हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पिवट टेबल हो जाता है, लग जाता है एक नई सीट पे। लेकिन मुझे तो ऑलरेडी जो सीट हमारी सीट 3 है उस पे करना है। या नीचे आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस पे आप जाएंगे और सीट 3 पे जाएंगे और एक लोकेशन चूज करेंगे एंड ओके। अब दूसरा पिवट इस 3 पेज पे लग गया, सीट 3 पे। अब मैं यहाँ पे सिटी वाइज सिटी ले लेता हूं, मुझे एक और पिवट चाहिए यहाँ पे एरिया वाइज। तो क्या मैं बार बार यहाँ पे जाऊं और पिवट लगाऊं? जी नहीं, आप पहले से जो पिवट है उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इस बार सिटी की जगह पे हम एरिया ले लेते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आप दूसरा पिवट तभी लगाए जब आपका पहला पिवट कंप्लीट हो जाए। अगर मैं इसे कोई फील्ड ऐड करूंगा, अगर वो फील्ड 3-4-5 फील्ड हो गया तो हमारे इस पिवट को ओवरराइड कर देगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके सर, ओके सर। अब मैं एक और पिवट लगाना चाहता हूं यहाँ पे, मैं 3-4 पिवट लगा रहा हूँ, 3-4 पिवट लगाया और इसमें मैं एरिया हटा देता हूँ, जैसे डेट वाइज इसे मैं मंथली कर देता हूँ, ग्रुप मंथ और ईयर कर देता हूँ, क्वार्टर हटा देता हूँ और ईयर को मैं यहाँ इस टैब में डाल देता हूँ, तो मुझे ईयरली रिपोर्ट मिलती है। ऐसे में 3-4-5-7 रिपोर्ट इस तरह से बना लूंगा। अब मैं चाहता हूं इस पर फिल्टर लगाना कि मुझे अगर एक पर्टिकुलर एक से बिहाफ पे देखना है तो कैसे देखूंगा, समझे। जैसे कि मैं चाहता हूं या मैं यहां पे एमआरपी को मैंने एमआरपी नहीं माफ कीजिएगा सिटी को मैंने फिल्टर में रख दिया। अब मैं सिटी में मान लीजिए अगर हमने दिल्ली को सिलेक्ट किया तो मेरा सिर्फ एक पिवट इफेक्टेड हुआ, बाकी पिवट पे कोई इफेक्ट नहीं थी। तो क्या हर पिवट पे मुझे सिटी का इस तरह से फिल्टर रखना पड़ेगा क्या सर? और दूसरी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिटी है, अगर मैंने सिटी को यहाँ रखा तो एक यहाँ लिस्ट से हट जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक फिल्टर हो, मैं एक जगह पे फिल्टर चूज करूं और मेरा चारों का चारों पिवट या 4 पिवट हो या 8 पिवट हो, सारे पिवट उस पे इफेक्ट हो और सारे उस पिवट को वर्क करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जो इसमें फिल्टर फील्ड लिस्ट में आता हूं, मैं इसमें जो फिल्टर लगा है ये फिल्टर हटा देता हूं, हट गई। अब इसके लिए मुझे करना होगा स्लाइसर।
मैं एनालाइज में जाता हूं और यहीं से आपको दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर को लिया और मुझे नेम में फिल्टर चाहिए, हमें सिटी में फिल्टर चाहिए, हमें एरिया में फिल्टर चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों को मैंने रख लिया, ज्यादा भी हो सकता है, फिलहाल तीन ही दे दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ तो दिल्ली का आता है, अगर मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो एरिया का आता है, पर अभी भी एक ही पेपर डिफेक्टिव था क्योंकि मैंने जो स्लाइसर लगाया है उसको मैंने सिलेक्ट किया था एक फिल्टर से, बाकी फिल्टर से नहीं किया, बाकी पेपर से नहीं किया। तो बाकी पेपर से कैसे करेंगे, आप उस पर कर्सर रखिए, डिजाइन में जाइए, यहाँ आपको दिखेगा फिल्टर कनेक्शन, फिल्टर कनेक्शन, इस फिल्टर कनेक्शन पे आइए और यहाँ पे एरिया सिटी नेम, एरिया सिटी नेम हमने सिलेक्ट कर लिया, दैट ओके। तो वापस आइए फिल्टर कनेक्शन एरिया सिटी नेम, और यहाँ भी आइए फिल्टर कनेक्शन एरिया सिटी नेम। तो चारों पिवट को मैंने लिंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस सेलेक्ट करता हूँ तो चारों पेपर डिफेक्टर है। और यहाँ पे एक खासियत और भी यहाँ देखिए कि इसको हमने सेलेक्ट किया तो इसमें तीन सिटी और यहाँ पे चार नेम ही एक्टिवेटेड है, बाकी सब जो भी हाइलाइटेड है, मतलब कि इस सिटी में यही है। इससे एक और पता चल जाता है कि हमें पर्टिकुलर इस एरिया पे कितने कितने सिटी और कौन कौन से पर्सन है, समझ गया सर? तो स्लाइसर का कंसेप्ट समझ में आया? हेलो, इसमें जो स्लाइसर वगैरह लगाते हैं ना अपन, तो सर इसमें टेबल में जितने भी फील्ड है वो सब को उठाता है या जो पिवट में जो फील्ड हमने ऐड किए हैं उनको लेगा? पिवट का फील्ड ले लेता है, पिवट का लिंक है ना, टेबल से तो मतलब तो नहीं है। नहीं, जैसे फर्स्ट पिवट में आपने दो ही फील्ड लिए हैं। नहीं नहीं, वो उससे मतलब नहीं है, पिवट के अंदर जो फील्ड है मतलब कि यहां यहां जो फील्ड है सारे फील्ड होता है। अच्छा, ऐसे कुछ ऐसे कैलकुलेटिव फील्ड भी हो सकते हैं ना, टेबल पे फील्ड जो है वो तो यहाँ होते ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी कैलकुलेटिव फील्ड भी होते हैं ना। जी सर, फील्ड सबको लेगा, वो हाईलाइट का है ना सर, फील्ड सभी को लेगा। क्या बोले? मैंने कहा फील्ड तो सभी को लेगा, लेकिन हाईलाइट उन्हीं को लेगा जिनको दिखाना है। सबको लेगा। आप देखिए, जब आप यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, मैं जब स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको फील्ड, दिख रहा है, जिस पे क्लिक करूंगा उसका यहाँ से करेगा सर। जी सर, यहाँ जिस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा उसका शो करेगा। लेकिन इसका यूज हम इस पर हिसाब से नहीं करते, हम इसका एक यूज करते समरी पे। चलिए, एक हमारा समरी सीट हम तैयार कर रहे हैं, फिर आपको कुछ बनाना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कट करता हूँ, कट करने के बाद इसको समरी पे लाके पेश करता हूँ, और लाने के बाद मैं फिलहाल इसको मतलब कि रहने देता हूँ, इससे कुछ नहीं करता, इसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है, इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं। उसके बाद हम अपने मेरा जो चार्ट है इस पर हम सोचते हैं, हमारा जो पिवट है इस पर हम चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने चार्ट ले लिया, इसकी यहाँ पे डिजाइन पे गया, मैंने एक अच्छा सा डिजाइन चूज किया इसका, ये जो दिख रहा है ना सम ऑफ क्वांटिटी इसको राइट क्लिक करके हाइड लेवल कर दिया, ये टोटल यहाँ दिख रहा है इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे हम मैं अपना ये हेडिंग दे देता हूँ, खेल सेल सीन कर लिया, और यहाँ इसको कट करता हूँ कंट्रोल एक्स, और समरी शीट पे जाता हूँ और एक जगह पे इसको यहाँ कट कर देता हूँ। जो साइज छोटा करना है तो साइज छोटा भी कर सकते हैं, फिर से जगह बना लेता हूँ,
एक डैशबोर्ड हम बना रहा हूँ टेबल, उसके बाद वापस ये हो गया हमारा। हाँ वापस इस पे आता हूँ, इंसर्ट अगेन साथ और इसकी डिजाइन पे आता हूँ। चार्ट पे क्लिक किया, चार्ट के डिजाइन पे है और यहाँ से हमने डिजाइन लिया, राइट क्लिक किया, हाइड कर देता हूँ मैं यहाँ से। टोटल है, टोटल के जगह पे कर देता हूँ सेल, इसको सेलेक्ट किया, इसको कट करता हूँ, समरी में जाता हूँ और यहाँ सिटी पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वापस इस पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट, इसमें मैं फाइव साथ लेता हूँ, डिजाइन पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, हाइड कर दिया। टोटल हम यहाँ पे कर देते हैं जोन, इसको कट किया, वापस समरी में आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं डिजाइन, यहाँ से कट किया, कमी में गया, राइट क्लिक, हाइड बटन, मैं यहाँ भी आगे कर सकता हूँ। यहाँ उसके बाद मैं वापस यहाँ आता हूँ, अब इस जोन है, अब इसकी स्लाइसर पे आता हूँ वापस। अब स्लाइसर को मैंने यहाँ स्लाइसर को सिलेक्ट किया, तो स्लाइसर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, इसमें कॉलन है तो मैंने सेकंड दो कॉलम कर दिया, तो दो कॉलम में हो गया। इसकी भी रिसाइज मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने। उसके बाद सिटी है, इसको मैं दो लाइन में करता हूँ और इसको भी रिसाइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ नेम है, नेम को भी मैं तीन लाइन में कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम मर्ज कर देते हैं। सितंबर 2020 को बड़ा कर देता हूँ,
सेल रिपोर्ट। हो गया सर सेल्स रिपोर्ट। अभी अब ऐसा हमने यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समरी ये तो हो गया कि कुछ सिलेक्टेड हो गया और कुछ होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट है हमारे। और यहाँ पे हम वापस आते हैं और जरूरी नहीं कि हम समरी ही क्रिएट करें, हम जैसे मुझे टोटल चाहिए, हम एक लिस्ट में आता हूँ टोटल चाहिए, टोटल सेल चाहिए, तो ये आ गया सम ऑफ द क्वांटिटी। अब इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टोटल सेल, ठीक है। वापस हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे सेल्स के द्वारा एमआरपी डाल देते हैं, एवीजी रेट, एवीजी एमआरपी, एवरेज एमआरपी। वापस इनको हम कॉपी करते हैं, इससे पेस्ट कर देते हैं, इसमें हम डालते हैं रेट, यहाँ पे की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कर देता हूँ। इसके बाद वापस इसको, ये सब जो है छोटे छोटे हमारे आंकड़े हैं, यहाँ पे आईडी को काउंट कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, सम ऑफ आईडी नहीं, यहाँ पे काउंट ऑफ चाहिए हमें, काउंट इन वाई। हो गया सर। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक अच्छा सा फॉर्मेट करता हूँ, हेडिंग में फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, एमआरपी का था, आपने टोटल निकाला था ना इसमें, आपने एवरेज लिखा था तो एमआरपी का टोटल इसमें, हाँ यहाँ पे एवरेज मैंने किया नहीं सर, माफ कीजिए गलती मेरी है। और इसकी जो डेसिमल प्लेसेस है वो कम कर देता हूँ, और फिर वापस यहाँ पे उसके बाद इसकी मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ। हो गया। अब इसको कॉपी करता हूँ और समरी शीट से यहाँ पे सेव एज ए पिक्चर लिंक, ओके और मैं इसको यहाँ इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि वहां भी बोल्ड हो जाए। बोल्ड किया तो समरी शीट पे भी देखिए बोल्ड हो गया, लेकिन डेवलपर इसमें सॉरी पेज लेआउट पे जाता हूँ, मैं विज लाइन हटा देता हूँ तो बेटर दिखेगा, ठीक है सर, बेटर दिख रहा है ना सर। अब और भी चीजें की जा सकती है। अब ये रिपोर्ट हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, राइट। अब आप देखेंगे कि मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया तो पूरा रिपोर्ट हमारा दिल्ली के बिहाफ पे हो रहा है सर, सब कुछ क्या सर आया। अब ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, अब आप लोग जो है स्लाइसर की मदद से करें। अब इसमें जैसे ये देखिए ये टोटल दिख रहा है ना सर आपको, तो अब क्या है कि जब मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो ये भी अपने आप को चेंज कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये स्लाइसर से कनेक्टेड ना हो तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर पिवट पे जाना होगा और यहाँ स्लाइसर के फिल्टर कनेक्शन में आना होगा और मुझे इसको अनचेक कर देना होगा। हालांकि अलग अलग पीडीएफ है तो मुझे उसको अलग अलग फिल्टर मैंने पिवट लगा दिया हुआ है तो अलग अलग इसको करना पड़ेगा।
कनेक्शन हट जाएगा। जिस पिवट के ऊपर आपने फिल्टर कनेक्शन लगा दिया उसका कनेक्शन हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए दली करता हूँ तो मेरा रिपोर्ट चेंज नहीं होता है, नहीं हो रहा है। सर ये आपने इसको पिक्चर लिंक क्यों किया यहाँ पर, डायरेक्ट कॉपी भी तो कर सकते थे उसको, जैसे हमारा पिवट से हमारा लिंक नहीं होता ना सर। नहीं जैसे हम चार्ट लेके आए थे ना सर, चार्ट हमने यहाँ बनाया था उसको कट करके वहां गए थे, वो भी कनेक्टिविटी है। इसको कट करेंगे तो पूरा का पूरा पिवट यहाँ लग जाएगा ना, मैं पिवट नहीं लगाना चाहता हूँ। दूसरा चीज क्या है, साइज। अब मुझे देखिए कि इतने ही एरिया में फिट करना था, बट यहाँ अपने हिसाब से साइज लिया है ना सर इसको। जी सर। कॉलम छोटा बड़ा मैं यहाँ से करूंगा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नीचे और भी चीजें हो सकती है, इसलिए पिक्चर लिंक ले लिया। तो इस तरह से रिपोर्ट में पिक्चर लिंक भी लिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको चीजें बताई। अच्छा समझ गया जी सर। अब मैं आपको जो है इसको मेल कर रहा हूँ आपके आई डी पे। हो गया ये फाइल को आप मुझे अपने हिसाब से कुछ बना के बताइए, ताकि पता चले आपने सीखा क्या है। क्या बोले सुनील जी, सही रहेगा ना। और ऑफिस में आप इसी तरह की रिपोर्ट को करेंगे, जो भी मैंने बताया ना पीपल का, इसी तरह की चीजें करेंगे मोस्टली। हाँ जी सर। ठीक है, मैं पावर बी बंद कर देता हूँ। पावर बी ओपन होने से क्या सिस्टम स्लो चलता है। और कल जो है पावर बी आई की कल जो है पिवट टेबल की हमारी लास्ट क्लास है। कल हम बताएंगे आपको रिलेशनशिप पावर पिवट टेबल, ठीक है जी सर। उसके बाद हम आगे जो है कैलकुलेशन वगैरह फॉर्मूले वगैरह पे बढ़ेंगे। अच्छा फॉर्मूलाज स्टार्ट हो जाएंगे कल के बाद में। पता नहीं क्यों हैंग हो गया सिस्टम इस समय। जियो है क्या सर आपके पास? ये पावर बी आई जो है ना, पावर बी आई छुटा हुआ है ना सर, इसलिए पावर बी आई की वजह से हो रहा है। अच्छा पावर बी आई थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जब चलता है तो बाकी सॉफ्टवेयर को स्लो कर देता है। और मैं क्लास से पहले बंद करना भूल गया था, क्योंकि आपसे पहले पावर बी आई क्लास थी मेरी। वो मैंने कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग तो देख ली थी सर मैंने वो आप। बंद हो गए, बंद हो गए तो ऐसे चले गए। डी नागौर है ना आपका उस साइड? यस सर यही है ऊपर वाला ही। और सुनील, सुनील जी आपका क्या है? बिश डॉट सुनील, हाँ याद आएगा। और एक है बिश डॉट सुनील आर सुरेंद्र फाइव। क्या खुल गया? अचानक स्लो हो गया। ठीक है मैं फाइल भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है।
हटे तो कुछ करें हम। ये सर 2000 जी साइंस का स्लाइसर का वर्जन 2007 जो है ऑफिस का, उसमें स्लाइसर का ऑप्शन नहीं है क्या? है नहीं 2007 में नहीं। सर 2013 या 16 इंस्टॉल करने के लिए विंडो 10 चाहिए क्या हमें कम से कम? या विंडो 8 पे चलेगा, विंडो 7 पे भी चलेगा, 2019 के लिए विंडो 8 चाहिए। अच्छा ठीक है, फाइल भेज दी है, आप बना के मुझे भी अभी भेज दिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है।